नाइन्थ ग्रेड से लेकर इंटर के सेकेंड ईयर तक के जो चार साल हैं वो मुझे अपनी जिंदगी का याद नहीं है मैं ईद के दिन भी बैठ के पढ़ती थी लेकिन एक चीज़ जिससे मेडिकल कॉलेज में बच्चे बहुत गुजरते हैं दैट इज मेंटल हेल्थ ट्रामा सो वेरी वेरी हाई स्ट्रेस योर ओन हेल्थ टेक कंपनी कैसे आपने ये जंप लिया मैंने वहाँ पे एक बहुत अजीब पिक्चर देखी मैंने देखा कि मेडिसिन वार्ड्स के अंदर पर्टिकुलरली पेशेंट्स उस वक्त अस्पताल लाए जाते थे जब उनके जीने की उम्मीद खत्म हो जाती थी जब मैं लाहौर गई तो आई रियलाइज के आई वॉज इन द डॉक्टर ब्राइट फिनिना क्योंकि मैं घर पर थी मैं काम नहीं कर सकती थी आई कूडन लिव माई डोटर एंड देट पुश मी इन टू वेरी सिवियर पोस्ट पार्ट ऑफ डिप्रेशन आई लिटरली लॉस्ड माई सेल्फ मुझे था कि बस इसको किस तरह करना है ये मेरे दिल में एक जज्बा था उन्होंने मुझे प्राइज देते हुए कहा कि मैं आपको ये इसलिए नहीं दे रहा कि आप ये पाकिस्तान में करें मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ कि एक दिन आ के आप इसको नेपाल में इंप्लीमेंट करें wow. वो क्लिनिक हमें तीन महीने में बंद करना पड़ा क्योंकि वी हैड केप अ क्रिश्चन नर्स इन अ आमटली कंजर्वेटिव एरिया तो वो क्लिनिक में इतने मसाइल हुए कि हम उसको चला नहीं सकें क्यों ना हम एक ऐसी ऐप बनाए जिसके जरिए घर पे बैठा हुआ हर शख्स पाकिस्तान में एक ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट कर सके तो अब दो खावन का कोपरेट जॉन्स के बीच में एंटर करना और उनको अपनी प्रोडक्ट बेचना और समझाना बड़ी मुश्किल चीज है हमें बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम पिच कर रहे थे और जो साहब या जो साहिबा हमें सुन रही थी वो उठ के चली इट बिकम्स एम्पेरिसिन आज मैं आपके सामने एक बेहद एक्साइटिंग गेस्ट लाई हूँ हु इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट एन एंटरप्रेन्योर एज वेल शी इज वन ऑफ द लीडिंग फीमेल्स हु टेली हेल्थ कंपनी एंड शी इज अ पायनियर फीमेल लेड टेली हेल्थ बाय द नेम ऑफ सेहत कहानी विदाउट फर्दर डिले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर सारा डॉक्टर सारा कैसे हैं आप वेलकम टू दो थैंक आज जो मैं डॉक्टर सारा से मिल रही हूँ यू नो यूर यूर पर्सनैलिटी आपकी आप यूर बिजनेस वोमन बट यू नो वे बैक अगर मैं पीछे लेकर जाऊँ यू नो एज़ अंग गर्ल वो वाली डॉक्टर सारा कौन थी वो सारा कौन थी थोड़ा सा अगर आप मुझे उसके बारे में बताएं आई 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 बिन बॉन एंड ब्रॉटअप इन अ वेरी सिम्पल मिडिल क्लास फैमिली ऑफ पाकिस्तान मेरे फादर uh, पुलिस में होते थे और माई मदर वॉज अ होम मेकर और उन मेरी मदर की शादी बहुत जल्दी हो गई थी एंड बिकॉज माई फ़ादर की मिनट द पुलिस तो उनकी कहीं ना कहीं वो एक स्पेशल uh, एजुकेशन नहीं हो पाई थी तो उनको बहुत शौक़ था कि मैं और मेरे जो दो तो भाई हैं वो पढ़ें और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ें और uh, तो जब हम बहुत छोटे थे तो माय फादर हैड हाँ प्री डिसाइडेड आर करियर्यर्स तो मेरे बड़े भाई के लिए उनको था कि वो इंजीनियर बने मिडल वाला जो मेरा भाई है ही ऑलवेज़ वांटेड हिम टू बिकम अ बैंक और जब मेरे तक बात आई क्योंकि मैं लड़की थी तो मुझे उन्होंने फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज बताया था कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर बट इन टू आई गॉट एडमिशन इन डाउ मेडिकल कॉलेज एंड देन आई बिकेम अ डॉक्टर तो मस्ट हैव बीन वेरी एक्साइटिंग जब डाउ uh, मेडिकल में आपका एडमिशन हुआ होगा इट्स इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट टू गेट इनटू अ मेडिकल स्कूल और उससे पहले जो उसकी पूरी प्रपरेशन होती है अक्सर जब मैं डॉक्टर से बात करती हूँ बेहद स्ट्रेसफुल होती है द इनिशियल गेटिंग इनटू द मेडिकल स्कूल और उसके बाद भी कई इम्तहान देने होते हैं सो so मुझे बताएं सारा उस वक्त आपने कैसे यू नो हाउ डू यू डील विद दैट स्ट्रेस तो आई थिंक एक पर्पज़ था सबसे पहले कि मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना है बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी आ, लेकिन बहुत सैक्रिफाइस दिया तो अगर आप उनसे आज पूछें तो मुझे अपनी नाइन्थ ग्रेड से लेकर इंटर के सेकेंड ईयर तक के जो चार साल हैं वो मुझे अपनी ज़िंदगी के याद नहीं हैं उनके hmm. वो बिल्कुल पढ़ाई करते करते गुज़ारे फ्राम कॉलेज टू ट्यूशन्स टीशंस टू होम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स फिर जब सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ तो छः महीने टेस्ट की तैयारी क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है एम कैट का फॉर फटाउ मेडिकल कॉलेज तो ज़िंदगी के वो चार साल मैं किसी शादी में नहीं गई मैं किसी दावत में नहीं जाती थी मैं ईद के दिन भी बैठ के पढ़ती थी दूसरा जो फाइव ईयर्स होते हैं मेडिकल कॉलेज के दे आर एक्सट्रीमली टफ अगेन दे रिक्वायर अ लॉड ऑफ डेडिकेशन बट मुझे ऐसा लगता है कि रादर दैन मोर देन स्टडियंग इट इज़ द टाइम टू गेट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ केयर प्रिपेयर योर सेल्स विद मोर राउंड टू द हॉस्पिटल तीसरे साल से आप हॉस्पिटल जाना शुरू हो जाते हैं आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स के साथ और जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है वो होता है आपका फाइनल ईयर और आपकी हाउस जॉब अगर आपने अपनी हाउस जॉब बहुत मेहनत से करी और आपने सही मानों में पेशेंट्स के साथ कॉल्स करें करी उनके साथ टाइम स्पेंड किया उनकी प्रॉपर हिस्ट्री करी एग्जामिनेशन करी ट्रीटमेंट प्लान्स डिवाइस किया आपने ख़ुद बहुत काम किया तो दैट विल रियली शेप यू एज़ अ डॉक्टर तो जब आप हाउस जॉब करके निकलेंगे यू विल बी वेल सेटल्ड टू देन स्टार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन सो आई थिंक वो जो पाँच से साल का टाइम होता है उसमें जो स्पेशली लास्ट के दो तीन साल होते हैं वो आपको बहुत क्रिटिकली अपने आप को मेहनत करके गुजारने होते हैं कोशिश करें कि उसमें बहुत सारी रिसर्चेज़ करें उसमें इंटर्नशिप्स करें अपनी सी को मज़बूत करें पर्टिकुलरली अगर आप बाहर जाना चाहते हैं बट देर आर सो मेनी करियर्स इन मेडिसिन नाउ इतनी ब्रांचेज बन गई हैं अब तो ए का इतना एडवेंट हो गया है हेल्थ टेक के ऊपर hmm. और हेल्थ केयर के ऊपर तो एक ये चीज़ एंड दूसरी चीज़ आई थिंक हम बच्चों को मेंटली हेल्प नहीं करते सो देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन मेंटल हेल्थ इवन इन मेडिकल कॉलेजेस आपके जितने कोर्सेज होते हैं वो सारे फिजिकल हेल्थ पे फोकस्ड होते हैं लेकिन एक चीज़ जिससे मेडिकल कॉलेज में बच्चे बहुत गुजरते हैं दैट इज़ मेंटल हेल्थ ट्रामा वेरी वेरी हाई स्ट्रेस एजुकेशन इट्स अ वेरी हाई स्ट्रेस करियर आउट आउट इन द फील्ड फॉर यू तो आई थिंक उनको मेंटली प्रिपेयर करना टू कीप देयर सैनिटी टू कीप दैम मेंटली स्टेबल ताकि वो चैलेंजेस फेस करें आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है जो मेडिकल कॉलेज़ में इतना हम फोकस नहीं करते डॉक्टर सारा इससे मेरे दो सवाल होते हैं है। पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी जो मुझे भी हमेशा लगता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा वो एक ट्रामा से गुजरे होते हैं और पता लग रहा होता है uh, मेरी फैमिली में हर फैमिली में आप एक ना एक बच्चे को देख रहे होते हैं जो मेडिसिन पड़ रहा होता है और आप देख रहे होते हैं कि अंडर किस स्ट्रेस से वो गुजर रहा है गुजर रही है सो so, उस टाइम पे आपने उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली बात करूँ तो आई थिंक आई एम नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस एट दैट टाइम आई थिंक वक्त गुजर जाता है बट आई थिंक योर प्लियर्स आर वेरी हेल्पफुल आप अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम ऑफ फ्रेंड्स बनाएँ यू फाइंड हेल्प विद योर जो आपके इस हैं जो टीचर्स हैं उनका एक अच्छा ग्रुप रेकग्नाइज़ करें और बहुत सारे एलिमिनाई नेटवर्क्स अवेलेबल हैं तो अच्छी बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान से इतने डॉक्टर्स निकलते हैं तो जब वो बाहर जाते हैं या इवन पाकिस्तान के अंदर भी गुड आर अवेलेबल जो आपकी हेल्प करते हैं तो उनसे हेल्प सीक आउट करें आई थिंक ज़िंदगी के हर हिस्से में हम झिझकते हैं किसी से हेल्प मांगने के लिए सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है अगर आपको हेल्प चाहिए सो रीच आउट एंड आस फॉर हेल्प कब तक उसमें थ्राइव कर सकते हैं दूसरा मेरा जो ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि जब हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तो हमें वो ऑल्टरनेटिव करियर्यर्स की कोई फ्लेवर नहीं देते हैं और जाहरी बात है जब आप मेडिसिन कर रहे हो तो आप एक ही फोकस से होते हैं जी मैंने इनशाला इफ़ आई एम गोइन टू परसू अ करियर आई एम गोइन टू ब डॉक्टर तो अब उसके बाद जैसे आपने एक यू नो यू स्टार्टड योर ओन हेल्थ टैक कंपनी हाउ डिज यू फ्राम बींग एम बी बी एस डॉक्टर दैन डूइंग योर मास्टर्स कैसे आपने ये जंप लिया थोड़ा सा अगर आप मुझे इसके बारे में बताएं वेन आई पास थ्रू मेडिकल कॉलेज आई थिंक मैंने अपने हाउस जॉब में जब मैंने हाउस जॉब करना शुरू करी तो मैंने एक बहुत बड़ी आयरनी देखी और जैसे मैंने एक पार्ट का जिक्र किया कि बहुत सारी मैंने डॉक्टर्स देखी जो काम नहीं कर रही थी या नहीं करना चाहती थी बहुत सारे मेल डॉक्टर्स मैंने देखे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे उसी वक्त तो जब मैंने सिविल हॉस्पिटल में हाउस जॉब करी विच इज़ द लार्जेस्ट टर्शी हॉस्पिटल इन कराची मैंने वहाँ पे एक बहुत अजीब पिक्चर देखी मैंने देखा कि मेडिसिन वार्ड्स के अंदर पर्टिकुलरली पेशेंट्स उस वक्त हस्पताल लाए जाते थे जब उनके जीने की उम्मीद खत्म हो जाती थी सो दिस वॉज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स मतलब उनकी फैमिली को एक कम्फर्ट चाहिए होता था कि हम एंड में अपने पेशेंट को हॉस्पिटल ले आए तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जिनके इशूज़ प्राइमरी केयर में मैनेज हो सकते थे उनको उन ईशूज से मरते हुए देखा और मुझे ये बहुत हमेशा लगता था कि क्या ऐसा है कि उनके गांव देहात में ये मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं है एंड आई थिंक द सीक्रेट वॉज कनेक्टिंग दीज टू डॉट्स टुगेदर कि जब आप मुल्क अब आपके मुल्क की एटी परसेंट मेडिकल वर्क फोर्स जो है वो फ़ीमेल है hmm. और उसमें से बहुत सी खातन काम नहीं करती जिसको हम डॉक्टर ब्राइट फिनमिना कहते हैं फिर पाकिस्तान बहुत सारे डॉक्टर्स एक्सपोर्ट कर देता है ब्रेन रेन की वजह से तो जो एक्चुअल डॉक्टर फोर्स है पाकिस्तान में वो हाफ अ डॉक्टर है फॉर थाउजेंड पेशंट्स और मेजोरिटी ऑफ़ दिस डॉक्टर्स वर्क इन अर्बन एरियाज़ तो आपके रूरल या आपके जो लो इनकम अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं बचते काम करने के लिए तो ये मैंने एक बहुत बड़ा मिसमैच देखा दैन आई ग्रेजुएटेड आई ऑल्सो गॉट मैरिड बाय डॉक्टर ब्राइट फनोमिना मेरी शादी हो गई राइट आफ्टर ग्रेजुएशन और मैंने अपनी रेजिडेंसी शुरू की इन रेडियोलॉजी बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस आई गॉट प्रेगनेंट विथ माई फर्स्ट डॉटर और मुझे वो छोड़नी पड़ी एंड देन आई स्टार्टड वर्किंग इन अ क्लिनिक Um, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को काटने के लिए अगेन मैं घर नहीं बैठना चाहती थी तो वो वो क्लिनिक जो था वो सुल्तानाबाद कराची में एक अर्बन स्लम है वहाँ पर मैं क्लिनिक कर रही थी जब मेरी बेटी पैदा हुई तो आई हैड टू गो to लाहौर विद माई हस्बैंड क्योंकि उनकी जॉब वहाँ हो गई थी जब मैं लाहौर गई तो आई रियलाइज़ के आई वॉज इन द डॉक्टर ब्राइट फिनमिना क्योंकि मैं घर पर थी मैं काम नहीं कर सकती थी आई कूडन लीव माई डॉटर एंड देट पुश मी इन टू वेरी सिवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन आई लिटरली लॉस्ड माई सेल्फ थिंकिंग कि मैं मेरा कोई पर्पस ही नहीं है जिस जिस रीज़न की वजह से मैं डॉक्टर्स बन डॉक्टर बनी थी लोगों को हेल्प करने के लिए वो मैं नहीं कर सकती सो आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड और उस टाइम पे आई गॉट री कनेक्टेड विद माई नर्स जो मेरे साथ सुल्तानाबाद क्लिनिक में होती थी उनको ट्रबल हो रही थी कि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था मेरे बाद मुझे ट्रबल हो रही थी कि मैं काम नहीं कर पा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा जब भी आपके पास पेशेंट्स आएँ आप मुझे कॉल पे दिखा दीजिएगा तो हमने ऑन कॉल कंसल्टेस करना शुरू की अ फ्यू डेज़ लेटर शी सेट के नहीं ये काम नहीं कर रहा बिकॉज ये पेशेंट्स को कोई चीज कोई चेहरा चाहिए देखने के लिए तो देन वी स्टक अ वेब कैम ऑन हर लैपटॉप एंड वी स्टार्टड डूइंग वीडियो कॉल्स एंड दैट्स वेन दिस आइडिया केम कि अगर मैं घर पर बैठ कर पेशेंट्स देख सकती हूँ तो वाई कैन वी जस्ट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल वुमेन डॉक्टर्स इन द कंट्री कि वो भी यही काम कर सकें सो so, मेरे दिमाग में तो लाइट बल्ब चल गया क्योंकि तो मैंने कहा यार एक तरफ इतनी सारी डॉक्टर्स जो काम नहीं करती एक तरफ इतने सारे मरीज़ जिनके पास डॉक्टर्स नहीं है यू कनेक्ट देम थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ डन एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे आई स्टिल थिंक इट इज़ एन एबसोलूटली अमेजिंग आइडिया बट आई थिंक दैट वॉज इन क्या होता है ना कि कभी कभी इन्वेंट ऑफ uh, अलामिया की तरफ से आपको एक चीज़ आती है आपके दिमाग में सो आई थिंक फॉर मी इट वॉज दैट स्पेशल एंड दैट स्पिरिचुल्ड स्टिल एमोशन आई कैरी एवरी डे कि दिस इज़ एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर थी और मेडिकल डॉक्टर्स का ऑन्टरप्रिनोरशिप या बिज़नेस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता सो आई हैड नो आइडिया हाउ बिज़नेस इज़ आर डन मेरे मेरा ये ये सिर्फ एक आइडिया था जो उस वक्त मैं और एक एक्स पार्टनर शेयर कर रहे थे और मुझे था कि बस इसको किस तरह करना है ये मेरे दिल में एक जज्बा था सिटिंग इन लोहो मुझे पता था मैं नहीं कर सकती तो एक चीज़ जो मुझे पता चली कि उस वक्त बहुत सारे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन हो रहे थे पाकिस्तान में बिकॉज ऑन्ट्रप्रनोरशिप बहुत नेसेंट थी और उसको फोकियत दी जा रही थी कि अच्छा आप आइडियाज़ रिप्रजेंट करें डिफरेंट कप्स में स्टार्टअप कप्स में तो मैंने भी अपना आइडिया लिख के भेजना शुरू किया तो आई गॉट सेलेक्टेड इन अ कॉम्पिटिशन दैट वॉज हैपनिंग इन नेपाल बिटवीन टेन कंपनीज़ फ्राम ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया और टू बी वेरी ऑनेस्ट वेन आई हर्ड अबाउट इट आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो टू द कंट्री एंड कैर अ ब्रेक आई हैड नो आइडिया हाउ टू पिच आई हैड नो आइडिया हाउ टू प्रजेंट लेकिन मैं गई और मैंने आई थिंक बहुत दिल से अपना आइडिया प्रजेंट किया और जब अनाउंसमेंट हुई तो द आइडिया दैट आई वॉज प्रजेंटिंग गॉट द फर्स्ट प्राइज़ एंड आई गॉट समी जो कि उस वक्त भी बहुत बड़ा सम ऑफ मनी था और जब उन्होंने मुझे प्राइज़ दिया तो आई स्टिल रिम्बर इट वॉज़ एन नेपाली मिनिस्टर जो कि चीफ गेस्ट थे उन्होंने मुझे ये ये दिया और उस वक्त तक मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है लेकिन डेडिकेशन का वो लेवल नहीं था कि जिंदगी भर ये करना है लेकिन उन्होंने मुझे प्राइज देते हुए कहा कि मैं आपको ये इसलिए नहीं दे रहा कि आप ये पाकिस्तान में करें मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ कि एक दिन आके आप इसको नेपाल में इम्प्लीमेंट करें सो देन वेन आई केम बैक आई केम बैक एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड आई सेट टू माई हजबैंड आई एम गोइंग बैक टू कराची मुझे ये पायलट करना है बिकॉज माई डॉटर नीडेड समन टू यू नो समन केयर ऑफ अवर आई एम वर्किंग तो ही अंडरस्टैंड आई केम बैक टू कराची और मैंने फिर ये आइडिया पायलट करना शुरू किया एंड दैट्स वेन आई मेट माई को फाउंडर इज़ वेल Uh, जिनकी भी एक बहुत सिमिलर स्टोरी है बीइंग अ डॉक्टर एंड अ डॉक्टर ब्राइट एंड वी स्टार्टेड मेकिंग अ चेन ऑफ क्लिनिक्स और पहला क्लिनिक मैंने बनाया मॉडल कॉलोनी में mm. उस क्लिनिक की बात करके मुझे ऑन करने में छः महीने लगे अगर जब मैं लोगों को जाके बोलती थी कि मेरे पास पैसे हैं और ये आइडिया है और मुझे एक क्लिनिक चाहिए जहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें कि एक ऑनलाइन डॉक्टर पेशेंट को देखें तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कहते थे ये नहीं हो सकता तो आई वेंट टू गवर्मेंट आई वेंट टू एन जी ओज आई वेंट टू ऑर्गनाइजेशन जिनके क्लिनिक होते हैं कि मुझे कोई एक स्पेस दे दें जहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ मुझे पाँच क्लिनिक इम्प्लीमेंट करने थे उस प्रोजेक्ट में तो एक दिन मुझे बाई फ्लूक एक साहब मिले जिनकी वाइफ की डेथ हुई थी उस वक्त तो और उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उन्हें ये समझ आ गया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी जगह देता हूँ मॉडल कॉलोनी में अपना घर देता हूँ आप मेरी वाइफ के नाम से क्लिनिक खोल लें अगर ये एक साल चल गया तो ठीक है वरना आप मेरी जगह वापस कर दीजिएगा and we opened our first clinic in model colony karachi and alhamdulillah um, uh, it opened up and it was a massive success allah mia was very kind and we were able to open it lekin mujhe abhi tak yaad hai ki us clinic ki jo almari thi wo actually mere kamre ki almari thi क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बहुत सारी चीज़ें रख सकें तो मैं इनमें अपने कम, अपने कमरे की अलमारी मैंने medicine cabinet बना के रखी थी कि यू नो दिस इज़ my clinic should look very nice. It should have That's everything true. that it has. हैज़ तो जब हमने पहला क्लिनिक खोला इट वॉज अ सक्सेस तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है यू you नो know? बस क्लिनिक खोलते जाना है और चलाते जाना है आई एम सो गुड एट इट सो मैंने फटाफट दूसरा क्लिनिक खोला हिजरत कॉलोनी में hmm. अच्छा खोल तो दिया क्लिनिक लेकिन क्योंकि कोई नीन्स असेसमेंट नहीं की थी मार्केट रिसर्च नहीं की थी एक फ्लूक पे क्लिनिक खोला था और अक्सर होता है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं सो यू डोंट डू रिसर्च और उस तक तक भी आई हैड बिकम एन आई आर जस्ट अ डॉक्टर ट्राइंग एन आइडिया वो क्लिनिक हमें तीन महीने में बंद करना पड़ा क्योंकि वी हैड केप्ट a नर्स इन in a, in a predominantly conservative एरिया तो वो क्लिनिक में इतने मसाइल हुए कि हम उसको चला नहीं सके, और वो जब बंद हुआ सो देट इज़ वेन आई फेल्ट हर्ट ऑफ फेलियर एंड दैट इज़ वेन आई री ग्रोप विद माई को फाउंडर एंड आई सेट कि नहीं अगर इसको बनाना है तो वी हैव टू रन इट लाइक अ प्रॉपर कोऑपरेट ऑर्गनाइजेशन आई हैव टू ए माई सेल्फ टू लर्न एवरी थिंग देर इज़ अबाउट बिजनेस हमें बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एक्सलेटर्स में पार्टिसिपेट करना है अपनी अपनी कंपनी को बनाना है ताकि हम दोबारा कभी ऐसा फेलियर फेस ना करें सो देन मी एंड माई को फाउंडर वी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस इनक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स दैट इज़ वेन आई जॉइन माई मास्टर्स इज वेल कि जी मुझे इतना बिजनेस एक्मेंट होना चाहिए कि मैं अपनी टीम के अंदर एच आर फाइनेंस ऑपरेशन मार्किटिंग डिपार्टमेंट्स खड़े कर सकूँ एंड देन लिटरली वी लर्न फ्राम स्क्रैच हाउ टू रन अ कंपनी डॉक्टर सारा मुझे आप ये बताइएगा कि जब आपने ऑनटरप्रनोरल जर्नी शुरू की आप थी फ्राम अ वेरी हमारी सोसाइटी में इंजीनियर डॉक्टर और लॉयर को बस एक बहुत पेडेस्टल पर पे रखा जाता है और उसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं तो जब आपने मेडिसिन से आप एक बिजनेस वूमन की तरफ जब आपका रुख हुआ तो लोगों ने कैसे व्यू किया क्या कहा आपको और आपने उसको कैसे फेस किया ये थोड़ा सा इस पर बताइए तो आई थिंक जब इनिशियली मैंने कहा कि अब मैं मेडिसिन नहीं करना मैं मेडिसिन एज अ क्लिनिशियन नहीं करना चाहती मैं अब इसको एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और ऑनटरप्रीनरशिप के लेवल से देखना चाहती हूँ तो किसी को समझ नहीं आता था माई ओन फैमिली हैड वेरी हार्ड टाइम रिकगनाइजिंग इट क्योंकि वो मुझे एक हॉस्पिटल में गाउन पहने देखना चाहते थे लेकिन मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपनी कंपनी के साथ और फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज मुझे पता था कि मैंने ये करना है इनफैक्ट uh, मैंने अपना एफ सी पी एस पार्ट वन का एग्जाम भी दे दिया था एंड दे वॉज अ टाइम वर आई हैव टू मेक अ चॉइस टू कंटिन्यू दिस और टू गो बैक इन टू क्लिनिक टू बींग अ क्लिनिशन लेकिन मैंने फिर अपने आइडिया को परसू किया मैंने उस बात को परसू नहीं किया तो शुरू शुरू में तो फील होता था कि शायद हम नहीं कर सकेंगे या हमसे नहीं होगा दिस इज़ टू टू बेक ऑफ अ थिंग टू अचीव लेकिन जब काम करना शुरू किया मैंने वी स्टार्टिड मेकिंग वन क्लिनिक आफ्टर दी अदा मैंने वाकई देखा कि जब पेशेंट्स क्लिनिक के अंदर आते थे और उनको एक ऑनलाइन डॉक्टर मिलता था और उस ऑनलाइन डॉक्टर को पेशेंट्स मिलते थे दैट कनेक्शन वाज ब्यूटीफुल जब हमने ये बोला कि हम ऐप बनाएंगे और हमें ऐप बनाने के लिए फ़ंडिंग रेज़ करनी थी एंड दैट्स वन आई रेज माई सीट फंडिंग राउंड इज़ वेल उस वक्त हमें बहुत आई बोल आई बॉल्स रोलिंग मिली कि आप टेक वेंचर कैसे करेंगी आपको तो टेक्नोलॉजी की नो हाउ ही नहीं है क्यों कर रही हैं कमर्शियल काम इतना अच्छा काम करती हैं आप लो इनकम एरियाज़ में सो आई थिंक दैट इज़ वैन वी फेस्ट अ लॉट ऑफ बैक लैश कि वाई आर यू कमिंग इन टू अ कमर्शियल टेक्निकल बिजनेस बींग वन बट अगेन नीन माई को फाउंडर वी टॉक्ट अमंगस्ट आर सेल्फ एन एट दैट टाइम वी थॉट कि यार क्या होगा ज़्यादा जाद ज़्यादा नहीं चलेगा बंद हो जाएगा mm -hmm. लेकिन ट्राई तो करना चाहिए mm -hmm. क्योंकि हमें पता था ये सोल्यूशन अगर एक लो इनकम डिफिकल्ट एरिया में काम कर सकता है जहाँ पर किसी को वीडियो पर समझाना बहुत मुश्किल है mm -hmm. तो एक आम इंसान के लिए क्यों नहीं काम कर सकता सो विद विदैट नोशन हमने ऐप बनानी शुरू करी अच्छा जब ऐप बनानी शुरू करी तो क्योंकि हमें अगेन मार्केट रिसर्च नहीं की थी तो दूसरा फेलियर हुआ mm -hmm. और वो बहुत ज़रूरी है बताना बिकॉज अ लॉट ऑफ़ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हैविंग अ गुड टेक्नोलॉजी टीम तो जब हमने ऐप बनाने का सोचा तो हमने कहा कि यार ऐप बनाना भी बड़ा आसान है हम एक फ्री uh, लांसर को दे, दे देंगे वो ऐप बना देंगे तो हमने एक फ्री ग्रुप को अपनी ऐप दे दी एंड सिक्स मंथ्स लेटर वी गॉट अर ऐप और हमने बड़ी एक्साइटेड होकर ऐप खोली तो वो चले ही ना तो दैट्स वन वी रियलाइज बिन कॉन्ड हमें धोखा दिया था उन्होंने और उन्होंने ऐप बनाई नहीं थी उन्होंने एक चाइनीज रैपर्स लगा दिए थे एक oh. एक शेल uh, ऐप के ऊपर और वो हमें दे दी थी एंड वी लॉस्ट अड ऑफ मनी एंड एट एन वी लॉस्ट अर ऑफ टाइम एंड अगेन बहुत बड़ा सेटबैक यार हम नहीं बना सके ऐप oh. लेकिन दैट्स वन ए रियलाइज के यार अच्छा हम क्या कर सकते हैं वट कैन वी डू टू अवेंड आर मिस्टेक फिर हमने मार्केट रिसर्च की फिर वी वेंट थ्रू अ स्कोपिंग एक्सरसाइज फॉर थ्री मंथ्स एंड वी सॉ ईच एंड एवरी टेक्निकल कंपनी इन पाकिस्तान जो ऐप्स बनाती थी mm -hmm. और फिर हमने बेस्ट कंपनी चूज़ की हमने कहा हम इसके लिए पैसे रेस करेंगे एंड वील फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन पाकिस्तान टू मेक अर ऐप एंड ऐप वॉज मेड बाई टेन पर्ल्स विच इज अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान एंड अलहमदिल्ला अभी तक अगर कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है तो पहला उसका एक कॉमेंट होता है कि दिस इज एन एब्सल्यूटली अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी एप्लीकेशन सो आई थिंक अगेन अ वेरी गुड अ वेरी बिग लर्निंग फॉर अस वेरी बिग फेलियर बिल्कुल मुझे लगता है कि इंसान अपने फेलियर से जितना सीखता है उतना अपने सक्सेस से नहीं सीखता है और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि यू you नो know, हर फेलियर को फेस करके हेड ऑन यू वेंट एंड यू स्टार्टेड टू गो एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम इस वक्त के बाद मुझे डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि जिंदगी में बहुत सारे मैंटोर्स भी होते हैं और आपको टाइम टू टाइम लोग गाइड भी करते हैं यू नो दे सॉर्ट ऑफ शो यू टू द नेक्स्ट स्टेप तो मुझे थोड़ा सा अगर आप मैंटोर्स के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में अगर बताएँ कि वो क्या रही है और अब तक के आपके माशाल्लाह यू नो यूफ़ कम अ लॉन्ग वे और हमेशा आप डाइवर्सिफाई भी अपने आप को करती रही हैं सीखती भी रही हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको हेल्प किया हो किसी मेंटोर ने देखिए सबसे पहले तो आई थिंक समंदर दैट केम वेरी अर्ली इन माय ऑन्ट्रोपिनोरी लाइफ वाज कुलसूमूम लखानी जो कि यू नीज़ इन इवेस्टर एंड ऑन्ट्रोपिनो हर सेल्फ एंड आई थिंक उन्होंने हमें बहुत गाइड किया शुरू में देन दे आर लॉड फॉर द पीपल हु आर वेरी हेल्पफुल एक, एक साहब है उमर परवेज़ खान उन्होंने हमें मुझे मैं मैं डॉक्टर थी तो मैथ्स से तो मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था एंड आई थिंक द ओनली थिंग आई वॉज हैप्पी अबाउट a अ डॉक्टर इसके मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी तो जब मैंने अपनी कंपनी बनाई तो उसमें तो अगर आपको एक्सेल ना आती हो और अगर आप अपना फाइनेंशियल मॉडल ना बना सकें तो यू कॉन्ट बी अ फाउंडर तो मुझे तो स्क्रैच से सीखना पड़ा तो एक साहब थे जिन्होंने मुझे बैठ के लाइक अड एक्सल पर ट्रेन किया और फाइनेंशियल मॉडल समझाया सो आई रियलीअ टू हैम एंड आई थिंक ऐसे लोग हमें हर जगह मिलते गए बट देन आफ्टर अवाइल वी ऑल्सो लर्न हाउ टू चेज पीपल दैट वी थिंक फॉर इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस तो जब हमने ऐप बनाई तो ऐप हमने दो मार्केट्स के लिए बनाई थी एक तो कंज्यूमर मार्केट थी कि कोई भी शख्स हमारी ऐप डाउनलोड करके डॉक्टर से कनेक्ट कर ले. लेकिन पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम है और लोग डिजिटल पेमेंट्स को ट्रस्ट नहीं करते और तीन चार साल पहले ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा था तो हमने कहा कि हम अपनी ऐप जो है वो कॉपरेट्स को देंगे ताकि वो अपने इम्प्लॉयज़ और फैमिलीज़ के लिए इसको ले सकें एज़ एन आल्टरनेटिव टू आउट पेशेंट कवरेज और इससे हमारे पैसे बी टू बी चैनल से आसान हो जाएंगे तो अब दो खातिन का कोपरेट जॉइस के बीच में एंटर करना और उनको अपनी प्रोडक्ट बेचना और समझाना बड़ी मुश्किल चीज़ है तो आई थिंक वी वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ कोपरेट पीपल एंड वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि कौन से ऐसे लोग हैं इन कोपरेट सेक्टर्स में जो कि हमारे विजन के साथ मैच करते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग हैपेंड इन दर लाइफ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है किसी के फादर बीमार हैं और उनसे हमने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू करी और फिर उनके ज़रिए हमने उन ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग तलाश करी जब हमने अपनी ऐप बना ली तो दो में हमारी ऐप बन के तैयार हुई और हमने बेचना शुरू करी तो आप यकीन नहीं करेंगी कि सिक्स मंथ्स हम उस ऐप को बेचते रहे और चालीस पचास लोगों ने वो ऐप डाउनलोड की थी और दो तीन डॉक्टर्स थे उस ऐप के ऊपर तो इट वॉज़ वर्किंग पीपल वर नाट बाइंग इन टू आइडिया कि कैसे घर बैठा एक डॉक्टर एक पेशेंट को ऐप पे देख सकता है बट अगेन वेन यू हैव अ विजन आई थिंक अल्लाह मिया ऑल्सो हेल्प्स यू और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी कोविड hmm. जैसे ही कोविड आया विद इन टेन डेज वी गॉट अ कॉल फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम और उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि हमने सुना है कि आपके पास एक ऐसी ऐप है जो डॉक्टर को पेशेंट से सिक्सटी सेकेंड्स में कनेक्ट कर देती है तो वी वॉन्ट एन ऐप जो हम पाकिस्तान में सबको दे सकें एंड विद इन थ्री मंथ्स जब वो एप डेसिमिनेट होना शुरू हुई थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स पूरे पाकिस्तान में यू विल नॉट बिलीव फ्राम फोर्टी फिफ्टी पेशेंट्स अडे वी वेंट टू थाउजेंड पेशेंट्स अडे फ्राम थ्री फोर डॉक्टर्स ऑन द एप वी वेंट टू थाउजेंड डॉक्टर्स ऑन द ऐप और इतने जल्दी हमारी कंपनी ने स्केल किया वी वर थर्टी पीपल वेन कोविड कीम बाय द सेकेंड राउंड ऑफ कोविड जब पाकिस्तान में आया वी वन अंड्रेड एंड थर्टी पीपल एंड उस ऑपरचुनिटी को मी एंड माई को फाउंडर वी रियली कैपिटलाइज्ड ऑन इट तो जब कोविड था और लोग गार्डनिंग कर रहे थे और बर्गस बना रहे थे और यू नो पीपल वर टेकिंग ऑन ओल्ड हॉबीज टू किल टाइम वी वर वर्किंग सिक्सटीन आवर्स अ डे और हमने हर कोपरेट को पाकिस्तान में रीच किया mm -hmm. हमने कहा कि हम सबको सेल करेंगे कोई ना कोई तो लेगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एंड दो स्पॉन्सर्स एंड द कॉन्टैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड रियली अस तो हमने uh, अपनी पहली uh, जब ऐप दी तो उसमें पहले वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स वॉज मीजान बैंक And that changed the course of corporate partnership for us. So, mm -hmm. Mizan Bank came to us and they gave our employees. And when Mizan Bank came to us, we had around 7-8 corporates. And today, Sehat Kahani has 860 corporates <coughs> on its platform. So, we are the single largest mm -hmm. telemedicine corporate platform in Pakistan. At that time, how, it, how the, the, the ball started ticking was कि जब हम किसी कॉपरेट को अपनी ऐप देते थे तो उसके बोर्ड पे जो बैठा होता था वो अपने किसी और बोर्ड को भी रिकमेंड करता था hmm. वहाँ से कोई एम्प्लॉय यूज़ करता था उसकी बीवी अपनी कंपनी में बताती थी सो दैट चेन ऑफ गुड वर्क डॉक्टर सारा आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंशन किया मैंटोर्स एंड स्पॉन्सर्स का yes. और फिर आपने ये भी बताया कि आपने उनको फोकस uh, के साथ आइडेंटिफाई किया थोड़ा सा अगर मैं uh, बहुत सारे यंग बडिंग यू नो एस्पायरिंग बिजनेस में जब लोग एंटर होते हैं तो उनको ये तरीका समझ नहीं आता कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें थोड़ा सा अगर आप अपनी बिजनेस से के लिहाज से हमें बताएं हाउ यू आइडेंटिफाइड दीज कॉपरेट्स हाउ यू अप्रोच देम बिकॉज दैट समथिंग दट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू डू दैट इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय ऑन्टरपिनोर जर्नी दैट वाज समथिंग दैट आई स्ट्रगल विद एंड देन आई लर्न इट ओवर टाइम थोड़ा सा अगर आप इसमें लोगों को बताएं कि कैसे उन्होंने आपने ये किया मैन आई स्टार्टड दिस सेहत कहानी मैं किसी को नहीं जानती थी आई हैड नो कनेक्शन विद द बिजनेस वर्ल्ड वन थिंग दर आई दर आई हैड वॉयस के आई लव टोकिंग अबाउट माई वर्क एंड आई लव पिचिंग इट एंड तो मैं बहुत सारे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में जाती थी बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाती थी स्टोल्स पर खड़ी होती थी पिच करती थी अपना प्रोडक्ट और कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह नौ बजे पिच करना शुरू करती थी रात के नौ बजे तक पिच ही कर रहे होते थे सैटरडे सन्डेज़ को इवेंट हो रहा है उसमें चले गए सो so, जब आप बहुत सारे लोगों को पिच करते हैं तो अगर आप बारह लोगों से या पंद्रह लोगों से दिन में बात करें किसी एक दो को आपकी बात याद रह जाएगी और वो फिर आपको रीच बैक करेंगे तो आई थिंक एक चीज़ जो करनी चाहिए कि अगर आपका आइडिया है उसको मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए भी एंड फिज़िकली भी अगर किसी नेटवर्क के इवेंट में जा सकते हैं किसी स्टार्टअप के इवेंट में जा सकते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं तो जाएं और जाके अपने आप को पिच करें सो यू स्टार्ट बिन आप कॉन्फ्रेंसिस में जाते हैं यू सी अ लॉट ऑफ स्पीकर स्पीकिंग जब वो स्टेट से उतरते हैं उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करें अगर आपको उनसे कोई कनेक्शन चाहिए तो उनको वो बताएं कि यू नो दिस इज़ हाउ दे कैन हेल्प मी इन माई जर्नी आईव सीन कि किन यू आस समन फ्राम हेल्प मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दे हेल्प यू दे डोंट से नो बिकॉज दे फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने आपको हेल्प करना है तो मैं ये करती थी कि आई यूज टू गो इन दीज इवेंट्स एंड आई यूज टू पिच माई सेल्फ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गिव माई कार्ड अंडरस्टैंड कि वो बंदा कहाँ से एंड आई यूज़ टू मैसेज दम आफ्टर द मीटिंग कि अच्छा वेरी नाइस मीटिंग यू दिस इज माई कॉन्टैक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंसड हो गए तो फिर हम अब देखते हैं कि जब हम किसी इवेंट में जा रहे होते हैं कि कौन कौन उस इवेंट में आ रहा है देखते हैं उनकी लिंकड इन प्रोफाइल कि दिखते कैसे एंड देन इफ़ अगर वो ऐसे होते हैं जो हमारा बिजनेस कनेक्शन बन सकते हैं तो फिर हम जाके उनसे बात करते हैं बट वन थिंग दर आईव सीन पर्टिकुलरली इन वुमेन इज कि जब वो किसी इवेंट में जाती हैं सो लॉर्ड ऑफ वुमेन फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर वुमेन दे डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू द मैन इन द रूम यहाँ पर ही आप अपना जो अपर्चुनिटी है उसको लूज़ कर देते हैं बिकॉज अगर आप एफर्ट कर रहे हैं किसी जगह जाने के लिए तो यू शुड मेक द एफर्ट टू मीट एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द रूम तो कहीं भी जाके कोने में ना खड़े हो जाए दैट इस द इजिएस्ट थिंग टू डू थोड़ा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने आप को बोलें कि अगर मैं इस इंसान से जाके बात कर लूँगी तो ज़्यादातर क्या हो जाएगा कि मुझसे बात नहीं करेगा आगे बढ़ जाएगा लेकिन मे बी दे विल टॉक टू यू

या स्मार्क्स होते थे साकेस्टिक hmm. लेकिन हमें बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम पिच कर रहे थे और जो साहब या जो साहिबा हमें सुन रही थी वो उठ के चली गई hmm. ये भी हमने फेस किया है एंड इट बिकम्स एम्बेरसिंग यू नो एंड इट 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 बिकम्स बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग बट वो जो एक अच्छा हो जाता था वी यूज टू रिमेंबर दैट एंड देन टू स्टार्ट अगैन सबसे बड़ी चीज है जो भी आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं यू नीड टू बी कनेक्टेड टू इट

And we come the next day, we think nahin, this is something that is helping a lot of people at the same time. So we will do it again, we will do it better, we will find a way. And mujhe lagta hai ke Allah ne death ke alawa har cheez ka solution. Rakha hai. You just have to find that solution. And a lot of people don't make that effort to find it. So again, coming back to your question, I think identify your network, then identify the people who can help you, keep in touch with them, constantly communicate with them. Um, if you can, you know, on special occasions, send them a birthday gift, yeah, you know, when you're you know, either send them a small token that you remember them. I think these are small takes and trips to help us in business. Uh, so make the you know, we send a small token to our corporate partners, that, you know, we're very thankful for having you as a partner. And I think that has a really good recall for them. कि वह समझते हैं कि अच्छे से ये सही अत कहानी ने मैं याद रखा सो दीज स्मॉंगस ये बेहद ही आपने इंस्पायरिंग बात की कि ड्रीम बिग एंड जस्ट कीप ऑन ड्रीमिंग एंड देन एक्टिंग ऑन इट वन डे एट अ टाइम डॉक्टर सारा यू नो यू आर एन ऑनटरप्रन्यर बट एक यूनिक बात आपकी ये भी है दैट यूर अ फीमेल ऑन्टरप्रेन जैसे कि मैंने पहले भी आपके इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि यू आर यू पायोनियर्ड हेल्थ टेक एज अ फीमेल फाउंडर क्योंकि फीमेल फाउंडर्स ने हेल्थ टेक कंपनीज को नहीं स्टार्टअप किया विद इन पाकिस्तान एटलीस्ट ये मुझे बताएं कि यू you नो know, आपने मेडिसिन पढ़ी फिर आपने करियर अपना शुरू किया फिर आपने ऑनटरप्रेनोरल जर्नी अपनी शुरू की सो इज़ इट डिफरेंट फ्राम फ्राम द अदर जेंडर एक मेल uh, और फीमेल ऑन्टप्रेनोर में आपका क्या ख्याल है कि यू नो हाउ इज़ इट डिफरेंट और इज़ इट द सेम वट आर योर थाट्स ऑन एट दो जेंडर्स में कभी भी कोई चीज़ सिम नहीं होती येस yes. जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं दोनों के चैलेंजेस होते हैं Uh, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल जेंडर के लिए देर मच मोर चैलेंजेस इन अ कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्सट आई जस्ट इन स्टार्ट अ कंपनी एज अ वुमन आई स्टार्ट अ कंपनी एज अ मैरिड वुमेन विद चाइल्ड इन अ वेरी अर्ली एज तो हमारे यहाँ मैंने दो तरह की फीमेल लीडर ज़्यादा देखी हैं एक जो कि एक अर्ली एज ग्रुप में होती हैं जिनके पास मेरिटल या चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक मैंने वो फीमेल लीडर्स देखी हैं जो उनकी शादी हो जाती है वो अपने बच्चे सेटल करती हैं एंड देन दे कम बैक टू वर्क आपको इस मिडिल एज ग्रुप नहीं इन योर ट्वेंटीज़ एंड थर्टीज़ इस एज में आपको फीमेल लीडर्स एंड ऑन्टपिनोर्स बहुत कम मिलेंगी बिकॉज दिस इज़ दैट टाइम वैन अ लॉर्ड ऑफ वुमेन चूज़ बिटवीन द करियर एंड फैमिली एंड इसकी एक वजह है बिकॉज वैन योर चिल्ड्रेन आर ग्रोइंग अप वैन योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर वैन यू आर योर सेल्फ इन दैट एज के आपको काम भी करना है बच्चे भी रेस करने हैं अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है अपने घर का भी ख्याल रखना है इट इज़ जस्ट टू मच इन अ डे टू हैंडल फॉर अ लॉर्ड ऑफ वुमेन सो एब्सोल्यूटली द प्लेंग फील्ड इज नॉट लेवल्ड यू कॉन्ट से दैट प्लस एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में ये है कि नेटवर्किंग करना एक खातून के लिए चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू अ मैन फॉर्म कल्चरल कॉन्टेक्स वी कॉन्ट इन वी कांट गो आउट इन डिनर्स इन सिट विपल एंड टॉक अबाउट अवर्क वी काट चिलो अ कॉफ़ी वी कॉन्ट टेक सिगरेट ब्रेक्स यू नो बिकॉज वी हैव टू गो बैक होम आई आई रिमेंबर कि मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देती थी क्योंकि वो शाम में होती थी या वो वीकेंड्स पर होती थी Because I think a male counterpart, when they get a weekend, they can relax. But when a woman gets a weekend, she has to take on another job, which is being a homemaker or a mother, and concentrate on her, on her children and family. Even when you're working in a day, you're doing From 9 to 5, you're doing one work, and then from nine, 5 in the evening to 9 a.m. in the morning, you're doing another work. Mm -hmm. So for so many women, it just becomes too difficult, and they crack mm -hmm. under pressure, and they give up. That we not do so definitely, and I've seen, Mire Sam hi, unfortunately, so many female entrepreneurs came, brilliant ideas, brilliant executioners, amazing profiles. The only thing they couldn't do is they couldn't get that idea to scale. Kahina kahin paise khatam mm. ho became too difficult, ghar koi bimar ho husband shifted somewhere and they gave up. So definitely, it's, it's not the same and I think the magnitude of challenges increase हाउ एवर इज़ अ वुमेन आई ऑल्सो फील दट द पॉजिटिव हैव इज़ के वुमेन हैव इनक्रेडिबल रिजिलियंस मल्टी टास्टिंग एबिलिटी इमोशनल कनेक्शन टू द वर्क दैट यू डू वुमेन आ वेरी लॉयल टू दैर प्रोफेशन मुझे ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं इतना स्ट्राइव इसलिए कर पाई हूँ कि आई वेरी लॉयल टू माई पर्पज क्या इसे क्या मैं छोड़ नहीं सकती इस चीज़ को आई हैव टू स्टिक विद इट एंड देन Women also, I think, they don't give up when they're connected to something. They, they, they have that resilience to keep going on and on with it because it's too much to stake otherwise. Mm -hmm. Plus, I'm not characterizing one gender over the other, but I think we are more empathetic mm -hmm. leaders. So, team management, team building, leadership also is, is empathy, the angle of the world, the world is more of So, there are some pros to being a female founder as well. बट येस देजेस आपने नैटवर्किंग की बात की और आपने कहा कि खातानी जैसे शाम में आफ्टर वर्क अक्सर मर्द मिलते हैं यू नो ओवर सोशलाइज करते हैं दैन दे कनेक्ट बट वेमेन डोंट हैव दैट क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी uh, या लेजर के आप ये लग्जरी जैसे कहा जाए कि ये हम काम कर सकें सो so हाउ डू यू सजेस्ट कि औरतें नेटवर्क करें अगर ये एक लिमिटेशन है सो हाउ कैन दे ऑप्टिमाइज नेटवर्किंग इन एनी अदर एस्पेक्ट आपको लगता है करना चाहिए या कैसे कर सकती है देखिए आई थिंक यू नीड टू पिक एंड चूज़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग तो आप देखें कि अगर कोई इवेंट हो रहा है जिसमें आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो आप देखें कि आप मैं चाहे तीन घंटे के लिए नहीं जा सकती मेरी मेरा मेरा डे अलाउ नहीं करता लेकिन मैं एक घंटे के लिए जाऊँगी जब मैं एक घंटे के लिए जाऊँगी तो मैं टारगेटेड अप्रोच रखूँगी कि जिससे मुझे मिलना है मैं मिलूंगी आई वॉन्ट ईट आई वोंट स्पेंड माई टाइम इन ईटिंग और ड्रिंकिंग बट आई विल मीट द पीपल दट आई विल नीड टू मीट एंड देन आई विल कम बैक और मैं आपको बताऊँ कि इसमें फोमो भी होता है विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आप कहीं चले जाते हैं वहाँ से जल्दी उठना भी एक मुश्किल चीज है बट आप अपने आपको डिसिप्लिन करते हैं कि नहीं मुझे घर जाना है एंड यू नो आई नीड टू डू माई थिंग्स इज वेल सो आई थिंक प्लानिंग प्रेपिंग योर सेल्फ एंड दिस इज नॉट जस्ट इन नेटवर्किंग आई थिंक एज अ फीमेल फाउंडर वट वट हैज बिन माई ब्रिगेस्ट एडवांटेज इज प्रेपिंग किसी भी कॉल से पहले किसी भी मीटिंग से पहले किसी भी इवेंट से पहले रियली मेकिंग श्योर कि आई हैव मई मटीरियल रेडी आई नो हु आई एम गोइंग टू मीट आई नो वट एम गोइंग टू से आई नो वट एम गोइंग टू स्टे टू दिस पर्सन एंड दैट पर्सन एंड जस्ट हैविंग दैट क्लैरिटी इन माई माइंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अब ये मुझे बताइएगा कि यू नो लीडरशिप इज़ अ रोल दैट यू हैड टू अडोप्ट एंड लीड योर कंपनी यू एंड योर को फाउंडर सो कुछ मुझे बताइए कि वॉट वर द लीडरशिप रोल्स दैट यू एस्पायर टू और विजुलाइज के मैंने ऐसा लीडर बनना है आपने कुछ ये एम्पथी की भी बात की खावन एम्पथेटिक भी होती हैं सो आइडियल लीडर वॉट इज़ एन आइडियल लीडर लाइक फॉर यू देखिए, आई थिंक लीडरशिप इज़ वेरी इवॉल्विंग यू कॉन्टिन्यूअसली कीप लर्निंग। तो द काइंड ऑफ लीडर दैर आई वॉज फाइव ईयर्स अगो आई थिंक आई एम नथिंग ऑफ दैट नाउ आई है परसन आई एव चेंज एज अ लीडर बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डन इज इज़ आईव ट्राई टू ट्रांसमिट दैट लीडरशिप इन टू अ टीम विच इज़ इमीडिएटली आफ्टर मी तो आई नॉट होल्डिंग ऑन टू दैट लीडरशिप टू दैट पोजिशन आई बिलीव दट आफ्टर अ वाइल आई विल नीड टू ट्रांजेक्शन आउट टू अनदर रोल तो मेरे पीछे कंपनी कौन चलाएगा तो वेवर इज़ कमिंग टू द कंपनी वी आइडेंटिफाई क्या फ्यूचर लीडर डिपार्टमेंट का किसने बनना है एंड वी वर्क विद टीम लीड्स और उनके नीचे उनकी टीम्स होती हैं सो वी डों माइक्रो मैनेज ना और वी डोंट सी के अच्छा हमारे तरीके से कंपनी चलेगी वी टेल दैम कि भाई दिस इज़ योर टीम दिस इज़ योर प्रोडक्ट दिस इज़ योर बेबी यूनिट टू रन इट एज वी रन सेहत कहानी तो हम सेहत कहानी चलाएंगे और आप सेहत कहानी के छोटे छोटे बच्चे चलाएंगे सो आई थिंक दैट हैज़ बिन वेरी वेरी फ्रूटफुल गिविंग अटोनोमी टू द टीम ट्रस्टिंग दैम विद द प्रोडक्ट तो क्योंकि सेहत कहानी के आज छः वर्टिकल्स हैं वी हैव क्लिनिक्स वी हैव अ कोपरेट है वी हैव कंज्यूमर एव वी है बी टू बी टू सी सोल्यूशन वी हैव होम हेल्थ केयर वी हैव फार्मेसी तो ये सब चलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग जो इसको कम्प्लीटली ओन करते हैं एंड दोज आर द कांड ऑफ पीपल हूव स्टार्ट एट सेहत कहानी ऑल द अदर्स हैव लेफ्ट Uh, these kind of people who take ownership of the product and run it as if it's their own company, mm -hmm. those who are able to stay and grow in our company. so my leadership style is making people responsible. dr. sara, thank you so much for your time. or mm -hmm. i want you to give, a, give our audience a message. Um, anything that you feel that is very important for them to grow and thrive. That's a tough one. Um, I think the biggest message that now, you know, I'm in my late 30s. I've been running a company who's become the market leader in telemedicine. The best thing that you can save in life is time. And you, the biggest asset you have in life is time. There is no other asset bigger than time. So really take care of your time and spend it wisely, whether you're doing it for your work or for your family or for yourself.

लेकिन हम जिंदगी में बात नहीं करते जॉय की जॉय यानी कि आपको ये सब करने से ख़ुशी भी मिल रही है कि नहीं बिकॉज सक्सेस डज़ नॉट क्वालिफाई एज़ हैप्पीनेस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सारा थैंक यू रूस ग्रेड थैंक यू अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो सो प्लीज़ डोंट फोगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपना फीडबैक और अपने कॉमेंट्स ज़रूर दीजिएगा